हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मैं आई हूँ सैन फ्रांसिस्को और हम होटल पहुँच गए हैं। अभी यहाँ के लोकल टाइम हो रहा है सुबह के 10 बजे और इंडिया में अभी रात के 11:30 बज रहे हैं। और ये है मेरा रूम अगले 3 दिन के लिए। सो, मेरा यहाँ लेओवर है 3 दिन और 2 रात की। अभी तो सबसे पहले नहाना है, बट उससे भी पहले मुझे घर पर कॉल करनी है और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे रूम से व्यू। सी कितना प्यारा व्यू है और इतना अच्छा वेदर है। तो अभी मैं नहा के आ गई। ये अभी मैं अपना वही डब्बा है जो मैं घर से बना के लेके आई थी, तो इसको अभी सबसे पहले गर्म करना है। मैं रीहीट पे डाल रही हूँ उसको। ये हो गया गरम। आई होप ये अच्छा है। सी मैं स्पून लाना भूल गई, तो अभी फोक से ही काम चलाना पड़ेगा। और मेरा खाना पीना हो गया। अभी मैं सारे लाइट्स बंद करके अभी मैं जा रही हूँ सोने। अभी तो यहाँ के दोपहर के 12 बज रहे हैं। लेट्स सी अगर शाम को कोई बाहर जाता है तो। एक क्रू ने मुझे कॉल किया कि बाहर जाना है, तो अगर मुझे जाना है तो आई कैन ज्वाइन हर। सो मैं भी आ गई नीचे और ये हम पहुंच गए सिटी के साइड। तो अभी हम जा रहे हैं गोल्डन गेट और ये हम ऑलमोस्ट पहुंच गए। हम थोड़ा लेट थे तो लाइट सारे बंद कर दिए, बट ये उतना तो अच्छा नहीं लग रहा है, दिन में और अच्छा लगता है। बट स्टिल आई एम गेटिंग गूज़बम्स बिकॉज अगेन इट्स अ बॉलीवुड स्पॉट। और मेरी क्रू को खानी थी मोमोज, तो हम 1.5 घंटा ड्राइव करके सैनजो आए थे और वहाँ पर हमने ऑर्डर की ये अदरक चाय, उसके साथ हमें पापड़ दिया है। और फिर हमने 2 मोमो के प्लेटर ऑर्डर किया, एक वेज एक नॉन वेज। वो खा के फिर हम गए ट्विन पिक्स जो कि बंद था, लेकिन वहाँ से फिर भी व्यू अच्छी आ रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया। अभी फिर रेडी होके हम बाहर जाने वाले और ये हम निकल गए बाहर। तो यहाँ से हमारी ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की ड्राइव है। आज का वेदर अगेन इट्स ग्लूमी, थोड़ा सा क्लाउडी सा है, बिल्कुल भी अच्छा वेदर नहीं है आज। तो यहाँ से हम जाएंगे नापा वैली। तो इस वीडियो में मोस्टली आपको ये रोड ट्रिप पे देखने को मिलेगा कि हम गाड़ी से जा रहे, बट दिस व्यूज़ आर अमेजिंग। ये रोड्स इतने प्यारे और उसके साइड के जो वैली है जो हमें दिख रहा है, जो वैली ऑलरेडी स्टार्टेड हो गई है, तो ये इतना प्यारा है कि आई कॉन्ट स्टॉप माई सेल्फ टू अपलोडिंग दिस बिकॉज दिस आर वेरी वेरी नाइस। और जो आंखों से दिख रहा था वो तो बिल्कुल भी कैमरा में वो कैप्चर नहीं हो पाया है। तो बेसिकली लेओवर्स में मोस्टली इन SFO एंड टोरंटो में जो होता है, हर किसी का या तो फ्रेंड्स रहते हैं या तो फैमिली रहते हैं, तो हर कोई बिजी रहता है, उनके साथ बाहर जाना है, तो हर किसी का अपना अपना प्लान बनता है। बट मैं आई वॉज़ थैंकफुल कि मुझे ये मिली थी, ये मुझे अपने साथ लेकर आई। लेकिन हालांकि उसका एक दोस्त यहाँ पे रहता है, उसी की गाड़ी से हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम 1.5 घंटे के ड्राइव के बाद इधर रुके, फिर यहाँ पे हमने थोड़ा खाना खाया, लंच किया, उसके बाद यहाँ से हम फिर से निकल जाएंगे। ऑलमोस्ट अभी भी 48 मिनट्स का रास्ता दिखा रहा है, बट दी सीनारीज आर सो प्रिटी, मैं बता नहीं सकती। मुझे बिल्कुल 90s की शाहरुख खान की वो मोहब्बतें वाली मूवीज़ की फील आ रही थी। इतना प्यारा लग रहा था कि इतना दूर ड्राइव करके आना बिल्कुल जस्टिफाइड था। और मतलब मैं बता नहीं सकती, बट यहाँ पे एक्चुअली हम साइड में गाड़ी रोक नहीं सकते, तो हम कभी कहीं पे रुक नहीं पाए और साइड से पिक्चर्स नहीं ले पाए। और ये हमारी लोकेशन थी जो कि हम पहुंच गए हैं। इतनी प्यारी जगह और इतनी दूर जगह पे हम आके भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमें अंदर जाने ही नहीं दिया। तो यहाँ का टिकट था $60, दैट वाज नॉट एन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये था कि इसके पास जो मुझे लेके आई थी उसके पास पासपोर्ट नहीं था या फिर कोई भी ID शी वॉज़ नॉट कैरिंग। सिंस इट वॉज़ अ वाइन टेस्टिंग एरिया, तो आपको 21 ईयर ओल्ड होना है और उसके लिए आपको ID दिखाना पड़ेगा, बट वो लेके नहीं आई थी तो हमें जाने नहीं दी। बट मुझे इतना रिग्रेट फील हो रहा था कि इतनी दूर आए और इतनी प्यारी जगह आए, लेकिन हम अंदर नहीं जा पाए, कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बुरा तो बहुत लग रहा है कि शायद मैं कभी ना वापस आ पाऊँ यहाँ पे,
और मुझे वो जगह दिखे, तो क्या कर सकते हैं, यही किस्मत है। तो चलिए फिर मिलते हैं, फिर किसी वीडियो में, फिर किसी लेओवर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।